एबे असंथु आमे आपनकु सीधा सळक सुवर्णपुर को नै जाऊ छु सोनपुर रे वर्तमान अभिजा संकल्प समाबेस चाली छे व प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी बर्तमान रामेश्वर स्टेडियम रे उद्बोधन देबा पे जाऊ कि सुवर्णपुर और वाराणसी में बहुत सी समानताएं हैं दोनों पर पर ही महादेव की कृपा है दोनों ही मंदिरों के शहर है बनारसी साड़ी विश्व में पहचान है तो संबलपुरी सिल्क भी इसकी भी एक शान है भाई और बहनों बारांगीर हो कंदबाल हो सुंदरगढ़ हो बारगढ़ हो पूरे पश्चिमी ओडिशा में पूरे ओडिशा में लहर चल रही है लहर ये लहर जो मुझे दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई दे रही है क्या ये लहर आपको दिखाई दे रही है क्या मैं जहां जहां गया मैंने लहर देखी आपको भी दिखती है क्या लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखती है इस चाय वाले को देश का चौकीदार बनाया और देश को महाशक्ति बनाने का सौभाग्य अगर मिल पाया है तो ये आप सभी का ही आशीर्वाद है प्रयास है ये आपका ही प्यार जो आपके ही बीच से निकला ये मोदी आज 130 करोड़ आकांक्षाओं के सपनों के लिए सामान्य मानवी के लिए कुछ कर पा रहा है भाइयों और बहनों आपके इस चौकीदार पर अगर ओडिशा सहित पूरे देश का इतना स्नेह और उसी के कारण ये सबसे बड़ा काम आज विकास का इतिहास और विकास का विश्वास जन जन में नजर आ रहा है ओडिशा का विश्वास तब बढ़ता है जब जारसुगड़ा के एयरपोर्ट बन जाता है बालांगीर बिचुपली रेलवे लाइन जैसे प्रोजेक्ट बनते हैं ओडिशा का विश्वास तब बढ़ता है जब ओडिशा मैं सिर्फ रेलवे के विकास के लिए पांच वर्षों पहले की तुलना में पांच गुना अधिक पैसा लगाया जाता है ओडिशा का विश्वास तब बढ़ता है जब बलांगीर सुवर्णनगर कंदमाल सहित पूरे ओडिशा के 24 लाख गरीब परिवारों के घर में बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया जाता है उड़ीसा का मोदी के प्रति विश्वास तब बढ़ता है जब गरीबों को अपने पक्के घर मिलते हैं घर में खाना पकाने के लिए मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिलता है शौचालय मिलता है साथियों आज बालांगीर और कंदमाल सहित पूरे उड़ीसा को एक बात पूरी गंभीरता से सोचने की जरूरत है उड़ीसा में कोयला भी है धातु भी है जल भी है जंगल भी है फिर क्या कारण है कि इतना समृद्ध उड़ीसा पीछड़ क्यों गया क्या कारण है कि विकास की दौड़ में ये राज्य पीछे रह गया दो दशक हो गए दो दशक 19-20 साल से यहां किसकी सरकार है आप बताएंगे मुझे 19-20 साल से यहां किसकी सरकार है जरा पूरी ताकत से बताइए ऐसे नहीं 19 19-20 साल से उड़ीसा में किसकी सरकार है किसकी सरकार है किसकी सरकार है उसके पहले यहां नवीन बाबू के पहले किसकी सरकार थी किसकी सरकार थी यानी कभी कांग्रेस कभी नवीन बाबू और वो बताइए दिल्ली में मेरे आने से पहले किसकी सरकार थी अब बताइए भाइयों और बहनों असल में कांग्रेस और बीजेडी को गरीबी में अपनी राजनीतिक फसल दिखती है यही कारण है कि ओडिशा सहित देश के एक बड़े हिस्से को इतने दशकों तक बदहाली में जीने के लिए मजबूर रखा गया कांग्रेस के पास पूरा अवसर था दशकों का समय था कि वो अरे अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम कर सके लेकिन उसने क्या किया कांग्रेस ने समाज में ऊंच नीच का ऐसा जहर बोया विकास में भी ऐसा भेदभाव किया कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आगे ही नहीं बढ़ पाया इसी का फायदा नक्सलवाद और माओवाद फैलाने वाले लोगों ने भी उठाया पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस गरीबी हटाने के सिर्फ नारे ही देती रही और गरीब तो गरीब रह गया लेकिन उनके नेता अमीर होते गए यही वजह है कि आज देश का गरीब ये कहने लगा है कांग्रेस हटाओ तो गरीबी अपने आप हट जाएगी अगर गरीबी को हटाने की अगर गरीबी को हटाने की एक बढ़िया से बढ़िया जडी जड़ी-बूटी अगर है तो उस जड़ी बुट्टी का नाम है कांग्रेस हटाओ कांग्रेस के रहते हुए कभी गरीबी हटी नहीं सकती है क्योंकि गरीबी उनके राजनीतिक खेल का सबसे बड़ा हथियार है उस हथियार को कांग्रेस कभी छोड़ना नहीं चाहती और गरीबों को गरीबी से बाहर आने देना नहीं चाहती साथियों मैं आपको कांग्रेस की एक और बड़ी साजिश के बारे में बताना चाहता गरीब हो किसान हो दलित हो आदिवासी हो पिछड़ा हो कांग्रेस ने आपको मिलने वाली सहायता छीनने की तैयारी कर ली है कांग्रेस ऐसी नीतियां देश में लागू करना चाहती है जिससे चौतरफा महंगाई बढ़ेगी आपकी रसोई का खर्च बढ़ जाएगा गैस की कीमत बढ़ जाएगी कैरोसिन तेल की कीमत बढ़ जाएगी कांग्रेस की चली तो राशन की दुकान पर आपको जो सस्ता चावल और गेहूं मिलता है वो भी कई गुना ज्यादा कीमत पर मिलेगा इतना ही नहीं अब तो कांग्रेस के नेता खुले आम देश के करोड़ों लोगों को स्वार्थी बताने लग पड़े हैं कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग स्वार्थी है मध्यम वर्ग अपना ही सोचता है और इसलिए मध्यम वर्ग पर टैक्स बढ़ाना जरूरी है ये खुलेआम बोल रहे हैं क्या मध्यम वर्ग के लोगों की कमर तोड़ करके देश का भला होगा क्या होगा क्या भला भाइयों बहनों क्या गरीब का हक मारने वाले को आप मौका देंगे क्या क्या ऐसी साजिश करने को ऐसे लोग इनकी जमानत जब्त कराओगे कि नहीं कराओगे चुनाव में साथियों जब गरीबी और उससे जुड़ी योजनाओं को राजनीतिक चंदा उगाई बिचौलियों और दलालों को लाभ पहुंचाने का माध्यम बनाया जाए तब गरीबी खत्म नहीं हो सकती जो कांग्रेस ने किया वही यहां बीजेडी की सरकार भी कर रही है और इसलिए भाजपा की सरकार ने इनके बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी है आज जो भ्रष्ट है वो मोदी से बहुत ही त्रस्त है ऐसे में ये चौकीदार इन लोगों को जरा खटक रहा है इसलिए देश भर के महामिलावटी भ्रष्टाचार की भागीदारी तय करने के लिए दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने की फिराक में है मजबूर सरकार चाहिए उनको मजबूत नहीं चाहिए आप तय किए आपको दिल्ली में मजबूर सरकार चाहिए कि मजबूत सरकार चाहिए मजबूत चाहिए ना भाई और बहनों दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए तो उड़ीसा में भी एक नई और ऊर्जावान सरकार चाहिए जो उड़ीसा के विकास के लिए नए विचार लेकर सामने आ सके बीजेडी के शासन में सिवाय भेदभाव के आप सभी को क्या मिला ये महानदी और तेल नदी का क्षेत्र है लेकिन ना तो पीने का पानी और न ही सिंचाई की सुविधा यहां का किसान अपना धान और अपना कपास औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर क्यों है जबकि केंद्र सरकार ने लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य तय किया है यहाँ जो मिले थी वो किसकी बेरुखी के कारण बंद हुई यहाँ के युवाओं को दिल्ली सूरत अहमदाबाद बेंगलोर जैसे शहरों के लिए पलायन क्यों करना पड़ रहा है इसका जवाब एक ही है 19 साल की वो सरकार जिसने आपने इतना भरोसा किया भाई और बहनों इस क्षेत्र में तो सिल्क के कारोबार की इतनी बड़ी संभावना है ये एक पारंपरिक व्यवसाय है केंद्र सरकार ने ऐसे व्यवसायों के लिए विशेष व्यवस्था की है बुनकरों शिल्पकारों कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आप जो भी साड़ी कपड़ा या फिर धातु पर शिल्प करते हैं इसकी मार्केटिंग के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाता है यहां तक कि मुद्रा योजना के तहत बैंकों से बिना गारंटी का ऋण भी दिया जाता है ओडिशा की सरकार चाहती तो आप तक इसका लाभ पहुंचा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाइयों और बहनों दिल्ली और भुवनेश्वर में जब विकास का डबल इंजन 23 मई को लगेगा और कमल छाप डबल इंजन लगेगा उसके बाद यहां की पहचान पलायन से नहीं पर्यटन से होने वाली है यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये ऐतिहासिक विरासत की भूमि है यहां हेरिटेज टूरिज्म की बहुत संभावना है यहां के युवाओं के पास रोजगार के अनंत अवसर है साथियों सबका साथ सबका विकास हमारा प्रण है और आप हमारी प्रेरणा है आपकी ही प्रेरणा से आदिवासियों के लिए जनधन से लेकर के वन धन की व्यवस्था हमने की पचास वन उपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाए आपकी ही प्रेरणा से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दशकों बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया क्रीमी लेयर की आय सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपया किया गया आप ही की प्रेरणा से दलितों और आदिवासियों के नायक नायिकाओं को स्मारकों में बदलने का काम हम कर पा रहे हैं साथियों 18 अप्रैल को जो आप अपना वोट डाल रहे, जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है ये भी समझिए ये चुनाव कोई एक विधायक चुनने के लिए यहां कोई एक सांसद चुनने के लिए यहां एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं है ये चुनाव नए ओडिशा और नए भारत के निर्माण के लिए है आपका आपके बच्चों का भविष्य कैसा हो लोकसभा और विधानसभा चुनाव उसका फैसला करेंगे ये चुनाव तय करेंगे कि भारत महाशक्तियों के साथ कदम मिल कदम ताल करेगा या फिर गरीबी बीमारी और भूख पनी के चुंगाल में फंसा रहेगा ये चुनाव तय करेंगे कि भारत के दुश्मनों को घर में घुसकर मारेगा या फिर चुपचाप बम और गोले का आगाज सहेगा ये चुनाव तय करेगा कि हिंदुस्तान के हीरो मजबूत होंगे या पाकिस्तान के पक्षकार मजबूत होंगे ये चुनाव तय करेंगे कि हमारे जवानों को किसानों को नौजवानों को सम्मान मिलेगा या फिर देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों की आवाज गूंजेगी ये चुनाव तय करेगा कि चौकीदार रहेंगे या भ्रष्टाचार करने वाले किरदार रहेंगे आपको चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचार आपको चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचार आपको चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचार साथियों 2014 में ओडिशा ने भरपूर समर्थन दिया मैं एक बार फिर इतनी गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में आप आए और मेरी जहां नजर पहुंच रही है लोग ही लोग हैं और वहां हेलीपैड के पास हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं वो अलग है मैं एक बार फिर आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं भाजपा के हर उम्मीदवार को दिया गया वोट देश को मजबूत करेगा उड़ीसा को मजबूत करेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप जब मतदान करने जाएंगे कमल के निशान पर बटन दबाएंगे वो कमल आपका वोट सीधा सीधा मोदी को मिलने वाला है सीधा मोदी के पास जाने वाला है आप मुझे बताइए आप इस चौकीदार को मजबूत करेंगे इस चौकीदार के साथ खड़े रहेंगे पूरा उड़ीसा खड़ा रहेगा इतनी ही गर्मी होगी तो भी वोट डालने जाएंगे सुबह सुबह जाएंगे पहले जलपान करेंगे कि पहले मतदान करेंगे मतदान करेंगे मन में तय करिए पहले मतदान फिर जलपान भाइयों बहनों आप इतनी बड़ी यात्रा में आकर के हमें आशीर्वाद दिया मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की स्वस्थ रहिए आपका ये चौकीदार पूरी तरह